कैसे आप सभी। और आज हम क्लास 12 टेक्सटाइल का 4 चैप्टर्स के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आंसर करेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा लेआउट और दोहराते, यानी कि लेआउट एंड रिपीट्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या ये। टेक्सटाइल को डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि जो टेक्सटाइल क्या है, एक कपड़ा, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जो लेआउट है, कलर है और ट्रेसिंग है, पेंटिंग है, उसके बहुत टेक्निक यूज़ है, उसको सही ढंग से एक करेक्ट यूज़ ऑफ मटेरियल समझना चाहिए, ठीक है। उसको एक सही ढंग से हमें उसका मटेरियल समझेंगे तभी हम उसको उसका लेआउट रिपीट्स कर सकेंगे, ठीक है। इसमें आता है सप्लीज एंड रेफरेंस मटेरियल्स। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लेआउट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द रिपीट ऑफ क्रिएट कंटिन्यूस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या है। लेआउट सभी दिशाओं में निहित प्रभाव बनाने के लिए दोहराए जाने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि लेआउट क्या है, वो सारे जो डायरेक्शंस है, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में लेआउट होना होता है ना, जैसे हर डायरेक्शन में लेआउट दिखता है हमें, तो वो एक उसको रिपीट किया जाता है बार बार सेम डिज़ाइन को, वो है लेआउट रिपीट, ठीक है। अब इसमें आपको दिखेगा भी पिक्चर में कि ये जो लेआउट है, ये सभी लेआउट पर देखो, अब ये सारी जगह पूरी सेम डिज़ाइन है और सभी जगह पर इक्वल रिपीट है इसका। ये नेक्स्ट है इसका बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर लेआउट है, सेम डिज़ाइन जो ऊपर है वही सेम नीचे भी है, और इस तरीके से कंटिन्यूस चलता रहता है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन क्या है, एक डिज़ाइन हमेशा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। आपको किसी भी टेक्सटाइल के प्रिंट को देख कर ऐसा नहीं लगेगा कि इस डिज़ाइन का, इस प्रिंट का एंड हो गया, ठीक है। डिज़ाइन हमेशा और प्रिंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब इसमें देखो सभी लेआउट पर ये जो फ्लावर्स है, ठीक है, इन फ्लावर्स की हम दिशा कह सकते हैं कहाँ है, कुछ नीचे को झुके हुए हैं, कुछ ऊपर को है, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है। अब तुम कह सकते हो इसमें आप चलते जा रहा है, इसका प्रिंट जो है वो रेगुलर कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में चला ही जा रहा है। अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो चुका है ये पैटर्न। अब चाहे ये आप देख लो पैचवर्क है ये लेआउट का, इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, ठीक है, पैचवर्क पता है ना, तो एक डिफरेंट किसी में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका लेआउट। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो लेआउट है, लेआउट एक प्रोसेस है ना, एक प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिपीट क्रिएट होता है, कंटिन्यूस हमेशा चलता ही रहता है। तो इसमें क्या कहा है, फ्लो ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हमारे द लेआउट डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, तो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट पर ही जो है डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, कोई भी जो डिज़ाइन है, जैसे होम फर्निशिंग में या लार्ज रिपीट साइज नीड है किसी प्लैंड इफेक्टिव लेआउट को, या फिर कोई एक्सपेंसिव डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब जो डिज़ाइन है ये इंटरेस्टिंग लेआउट होना चाहिए और कन्वर्ट अ गुड आइडिया इंटू अ गुड डिज़ाइन, और एक बहुत अच्छा डिज़ाइन भी होना चाहिए ताकि इंटरेस्टिंग लगे, बेकार नहीं। अब जो डिज़ाइन है वो क्या है, ऑल ओवर सारे सभी चीज़ों में हो सकता है और सभी जगह में रखा जा सकता है डिज़ाइन को, ठीक है। इसमें टोस्टेड है, फ्री फ्लोविंग है, स्ट्रिप्स हैं, बॉर्डर्स हैं, सेट है, सैनिक एंड पैचवर्क है, ये सारे क्या है, एक लेआउट्स है, ठीक है, जो प्रिंट के लेआउट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारा कपड़ा उद्योग में डैश को रंग निर्देश प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाता है, किसको, कलरिस्ट को, ठीक है। देखिए आपका हिंदी में भी कलरिस्ट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा डिज़ाइन विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का वर्णन करें, यानी कि हमारा जो टेक्सटाइल है, डिस्क्राइब बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग बुनियादी आवश्यकताओं का वर्णन करेगा है, ठीक है। तो कौन कौन से जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो देखते हैं ज़रा। चलिए इंग्लिश में है कि डिज़ाइन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, डिफाइंड एज अ रिलेटिंग एंड विजुअल अरेंजिंग कंपोनेंट ऑफ आर एलिमेंट्स टू क्रिएट इफेक्ट्स, ठीक है। डिज़ाइन क्या है, एक डिफरेंट रिलेटिंग विजुअल
अरेंजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। आपको देखकर ऐसा लगेगा विजुअल, हाँ जी। तो हिंदी में कहा है डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन को प्रभाव, डिज़ाइन में प्रभाव पैदा करने के लिए, यानी कि डिफ्रेनेट करने के लिए उसे, उसके संबंध जो घटक हैं या तत्व हैं उनको संबंधित और नेत्रहीन रूप से व्यवस्थित किया जाना जा सकता है, जैसे कि अंतरिक्ष, रेखा, आकृति, रूप, रंग, मूल्य और बनावट, ठीक है। स्पेस, लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू। टेक्सटाइल आर डिज़ाइन एलिमेंट विच आर्टिस्ट एंड डिज़ाइन वर्क टू क्रिएट अ डिज़ाइन, यानी कि ऐसा डिज़ाइन जो तत्व है जिनके साथ कलाकार और डिज़ाइनर एक डिज़ाइन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। अब जो डिज़ाइनर है वो क्या करता है, एक जो तत्व है, ठीक है, एक तत्व है हमारा कोई भी एलिमेंट, उसको बनाने के लिए कलाकार और डिज़ाइनर। अब डिज़ाइनर तो सिर्फ डिज़ाइन बना के कलाकार को दे देगा ना, बनाएगा कौन, कलाकार। तो डिज़ाइनर एक डिज़ाइन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या बात खास रखनी चाहिए ध्यान, जिसमें हमें अपना जो आइडिया है, ठीक है, इंस्पिरेशन है, ये एक डिज़ाइन प्रिंट के लिए शुरू करनी चाहिए और अचीविंग आइडियाज़ लेने चाहिए। सबसे पहले उसे स्केच पेन से पेपर के ऊपर फाइनलाइज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट मतलब अंतिम रूप में आपको उसे एक फाइनल करने के लिए उसको पहले स्केच पर, स्केच पेन से आपको उसे कागज़ के ऊपर बनाना चाहिए, ताकि ये फाइनल डिज़ाइन है, कहकर जो डिज़ाइनर है वो बनाएगा, ठीक है। किसको देगा, कलाकार को, ठीक है। डिज़ाइनर वर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें है डिज़ाइन विकास में दोहराने को स्थापित की भूमिका का वर्णन करें, हाँ, यानी कि डेवलपमेंट जो है, रिपीट सेटिंग इन डिज़ाइन डेवलपमेंट किस तरीके से वो रोल है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिपीट सेटिंग इन डिज़ाइन डेवलपमेंट। तो जो रिपीट हमारा रिपीट और लेआउट है, ठीक है, लेआउट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो रिपीट है वो क्या है एक, हाँ जी। तो इसमें कहा है जो टेक्सटाइल है, वस्त्र को डिज़ाइन करने के लिए अनूठी विशेषता यह है कि यूनिक जो क्वालिटी, सॉरी करेक्टरिस्टिक जो है डिज़ाइन टेक्सटाइल की, वो क्या है कि कमर्शियली जो आर्ट है, यानी कि वाणिज्य कला जो है, उसके रूप के विपरीत, यानी कि उससे थोड़ा अलग, पैटर्न में स्पष्ट रूप से विराम, यानी कि पैटर्न को एक रोक देना चाहिए, ठीक है, और रुकावट के बिना, यानी कि रोके बिना एक डिज़ाइन को एक स्तर प्रभाव में और फिर से मुद्रित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि उसे दोबारा से अगेन कंटिन्यूस फ्लो विदाउट अपेरेंट ब्रेक इंटरोपेशन ऑफ द पैटर्न, ठीक है। उसे बिना रोके दोबारा से हमें स्टार्ट करना चाहिए अपना जो डिज़ाइन डिज़ाइनर बना रहा है, ठीक है। और क्या है इसमें कि इन दिनों क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर के उपयोग से रिपीट सेट करना आसान और तेज हो गया है ना, कि कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर की मदद से, उसकी सेटिंग से रिपीट हैज़ बिकॉम इजी एंड फास्ट। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा, हाँ जी। तो जो हमारी डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिपीट सेटिंग थी वो क्या थी, कि जो वस्त्र या डिज़ाइन, हम जिस वस्त्र पर डिज़ाइन कर रहे हैं, कि वो एक यूनिक उसकी विशेषता है ना, यूनिक क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है, और जो एक वाणिज्यिक कला के रूप में विपरीत है, ठीक है, अलग है, वाणिज्यिक कमर्शियल आर्ट जिसे कहते हैं उसके रूप में अलग है, और स्पष्ट रूप में विराम, यानी कि रोकने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, उसे दोबारा से एक अच्छे स्तर पर और प्रभाव स्तर पर हमें उस पर दोबारा से काम करना चाहिए प्रिपेयर्ड होकर, ठीक है, उस डिज़ाइन के लिए। और क्या होगा उससे कि अपेरेंट बिना ब्रेक लगाए, ठीक है, बिना ब्रेक लगाए हमें उसे दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए एक पैटर्न के रूप में। और आजकल क्या क्या हो रहा है, आजकल तो जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से कितनी जल्दी, उसकी सेटिंग की मदद से रिपीट हैज़ बिकम इजी फास्ट, बहुत जल्दी जो उसका, उसकी स्पीड है उससे काम बहुत तेज़ हो रहा है, ठीक है, उससे आसान हो चुका है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
डिस्क्राइब द रोल ऑफ लेआउट सेटिंग इन डिज़ाइन डेवलपमेंट. हाँ जी, तो डिज़ाइन विकास में लेआउट सेटिंग की भूमिका का वर्णन करें. अब इन्होंने कहा जो डिज़ाइन है उसके डेवलपमेंट के लिए जो लेआउट सेटिंग है उसको बताइए, ठीक है, उसका वर्णन करें. हाँ जी, तो लेआउट सेटिंग क्या है? लेआउट सभी दिशाओं में निरंतर प्रभाव बनाने के लिए दोहराए जाने की योजना है, ठीक है. क्या है लेआउट? एक प्रोसेस है जो कि पहले से प्लानिंग रिपीट है, ठीक है. प्लानिंग, उसकी जो प्लानिंग है वो पहले से ही है कि उसको एक रिपीट जो पहले डिज़ाइन बनाया है वही सेम कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है, फ्लो सभी डायरेक्शंस में. नेक्स्ट इसमें आता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जो लेआउट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे उसके डिपेंडिंग पे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, जैसे होम फर्निशिंग है हमारे घरों में उसमें जो भी लार्ज रिपीट साइज नीड होती है उसकी प्लानिंग इफेक्टिव लेआउट है. एक जैसे इसमें कहा एक बड़े जिस तरीके से घरों के सामान के लिए एक बड़े दोहराने के आकार को एक प्रभावी लेआउट के रूप में योजना बनाने की आवश्यकता है, और अनुभव के माध्यम से हमें उसे समझना चाहिए कि वो एक डिज़ाइन जो है उसमें दिलचस्प होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग, और लेआउट में रखना सीखना चाहिए, ठीक है, एक लेआउट में होना चाहिए, जैसे कि उसकी सेटिंग एक लेआउट लगनी चाहिए जिसमें दिखाया हुआ आपको उसका बॉर्डर लेआउट या सभी लेआउट्स पर एक अलग तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए जो सब में कंटिन्यूस हो, सेम हो, ठीक है, तभी लेआउट लगेगा. और इन्होंने इसमें कहा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन को ऑल ओवर ट्रेंड्स फ्री फ्लोइंग और स्कैन पैचवर्क लेआउट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लेआउट में आती है, लेआउट ऑफ डिज़ाइन में, ठीक है. अच्छा, तो गाइस वो तो हम रिपीट और लेआउट ये जो थी हमारी, ये थे डिज़ाइन की कैटेगरी, ठीक है, आप कह सकते हो उसे डिज़ाइन की डेवलपमेंट, ठीक है. ये दो तरीके जो हैं, रिपीट और लेआउट तरीके से जो प्रिंट है वो शुरू होती है. अब हम बात करेंगे प्रिंट कैटेगरी, ठीक है, जिसमें आते हैं बहुत सारे प्रिंट्स, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स, एनिमल प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स, आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है, इनके हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास ना. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. ओके, इसके बाद हमारी प्रिंट और टेक्निक्स आती है, प्रिंट टेक्निक्स, वो भी डिस्कस करेंगे. हाँ जी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, फ्रेम द ब्लैंक से. सबसे पहले डैश अनिश्चित पैटर्न या डिज़ाइन में कपड़े पर रंग लगाने की प्रक्रिया. तो रंग लगाने की प्रक्रिया कौन सी होती है जिसमें कपड़े पर जो पैटर्न या डिज़ाइन बने होते हैं उन पर रंग लगाने की प्रक्रिया है, जैसे रिपीट या लेआउट, ठीक है, या आप कह सकते हो रोलर, स्क्रीन प्रिंटिंग, इन सब के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, कलर. तो नेक्स्ट आता है ब्लॉकिंग द्वारा भी की जा सकती है. ओके, तो नेक्स्ट इसमें है अ डैश प्रिंट कंप्राइज टू नीफ ऑफ डिज़ाइन विद रेगुलर शेप शेप्स लाइक सर्कल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल, कॉटेज और पेंटिंग्स एंड अदर पोलाइंगन्स, ठीक है. तो डैश प्रिंट में चक्र, वर्ग, त्रिभुज, अष्टकोट, पंचकोट और अन्य बहु भुज जैसे नियमित आकृतियों वाला डिज़ाइन शामिल है. तो वो कौन सा प्रिंट है? ज्योमेट्रिकल, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है पोल्का डॉट्स. पोल्का डॉट्स डैश प्रिंट की श्रेणी में आता है. कौन से श्रेणी में आता है? डॉट्स प्रिंट की श्रेणी में, ठीक है. नेक्स्ट है पुष्प प्रिंट के लेआउट्स डैश 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 और में पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्राइप, स्केटेड बंच और जैसे आप कह सकते हो गुलदस्ते, ठीक है. स्ट्राइप्स यानी कि धारीदार प्रतिरूप, है ना, और स्केटर्ड यानी कि बिखरे हुए और उठे हुए जैसे होते हैं, इसमें है फ्लोरल प्रिंट का, ठीक है, और गुच्छे और गुलदस्ते टाइप आप कह सकते हो, इस टाइप में होते हैं फ्लोरल प्रिंट्स. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 हो चुका है,
इसके बाद है फिफ्थ डैश डैश और डैश आर स्टैंड। हाँ जी गाइस, तो जो हमारा शेड ऑफ टाइपिकल नेटिकल प्रिंट है उसमें आता है रॉयल ब्लू, ब्राइट और वाइट। ठीक है, ये टाइपिकल नेटिकल प्रिंट है, नेटिकल प्रिंट ठीक है, जो कि ब्लू शेड में होते हैं काफ़ी। इसमें है रॉयल, ब्राइट और वाइट। नेक्स्ट आता है हमारा जो फ्लोरल प्रिंट है वो किस में होता है, लॉरा एशले और जेब्रा, जेब्रा स्टाइल में क्या है, एनिमल प्रिंट यानी कि पशु प्रिंट। ठीक है, फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, टेक्निक यूज अकोमोडेट्स टू द चेंजिंग डैश ट्रेंड एंड क्रिएट न्यू लुक, यानी कि तकनीक बदलते डैश रुझानों को सामान्य योजित करने करती है और नए रूप बनाते हैं। तो कौन सी वो चीज़ है जो ट्रेंड चेंजिंग लेकर आती है, फैशन। ठीक है, इसका आंसर है फैशन, जो कि ट्रेंड चेंजिंग फैशन ट्रेंड कैन क्रिएट अ न्यू लुक, हमेशा नए नए लुक लेकर आती है। ठीक है, रुझान कहते हैं हम ट्रेंड्स को। अब है नकाशी, नकाशी कहते हैं हम एचिंग टेक्निक को। नकाशी टेक्निक में एक दूसरे के ऊपर डैश दो या दो से अधिक रंग होते हैं और फिर निचली परत के रंग को बाहर लाने के लिए शीर्ष परत से एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो डैश हम क्या कहेंगे उसे, लेयर जो होती है, ठीक है, लेयरिंग। ठीक है, इसका है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि टेक्सटाइल प्रिंट बनाने के लिए प्रिंट डिज़ाइन टेक्निक क्यों महत्व है, यानी कि वाई आर प्रिंट डिज़ाइन टेक्निक क्यों इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग टेक्सटाइल प्रिंट, टेक्सटाइल प्रिंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहा इन्होंने टेक्निक यूज प्रिंट। तो चलिए जानते हैं क्या है टेक्निक यूज। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक यूज रेंडर डिफरेंट रिजल्ट इन टर्म ऑफ लुक, फील, मूड एंड टेक्सचर, यानी कि जो अलग अलग तरीके के जो टर्म्स है, ठीक है, टेक्सचर है टेक्निक यूज के। हाँ जी, तो जो तकनीक है, तकनीक बदलते फैशन के रुझान को समायोजित करती है और नए रूप में बनाती है। ठीक है, और एक डिज़ाइन के लिए विशेष प्रभाव एक नई उपस्थिति बनाने या मौजूद डिज़ाइन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ तकनीक है जैसे अब इन्होंने कहा है जो टेक्निक है ना वो किस लिए है, ताकि इन्हेंस अपेरेंस एक्सेक्टिंग डिज़ाइन, यानी कि किसी डिज़ाइन को स्पेशल लुक, ठीक है, नया उसे क्रिएट करने के लिए, स्पेशल लुक देने के लिए, क्रिएट अ न्यू अपेयरेंस, कोई भी नया डिज़ाइन इसलिए टेक्सटाइल में इन्होंने लाया कि टेक्निक्स भी होने चाहिए, सिर्फ प्रिंट नहीं। ठीक है, टेक्निक्स अलग चीज़ है और प्रिंट अलग चीज़। टेक्निक में क्या है, एक टेक्निक है डिफरेंट जो टेक्निक्स है डेवलप करती है इनोवेटिव यूनिक इंटरेस्टिंग प्रिंट को। ठीक है, इंटरेस्टिंग यानी कि जो मज़ेदार प्रिंट्स है जो सिर्फ प्रिंट के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, वो टेक्निक्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तकनीकों के द्वारा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे तकनीकें आती है जिनमें आता है वैक्स रजिस टेक्निक, ठीक है, फेविको रजिस टेक्निक और ब्लीच टेक्निक, ठीक है, रबर सोल्यूशन टेक्निक, सॉल्ट एंड शुगर टेक्निक, बबल इफेक्ट टेक्निक, एचिंग टेक्निक्स और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स। दिस टेक्निक्स ब्रिंग ओरिजिनली एड टेक्सचर एंड गिव थ्री डायमेंशनल लुक ऑफ द प्रिंट डिज़ाइन विगन डिफरेंट, यानी कि जो ये डिज़ाइन है तकनीक और इंटर कनेक्टिव तकनीकें जो है, ये तकनीक मौलिकता लाती है, ठीक है, एक समानताएँ लाती है सब में और बनावट जोड़ती है और विकसित होने वाले प्रिंट डिज़ाइन को तीन आयामी रूप देती है, यानी कि अलग अलग लुक देती है। ठीक है, ये था हमारा टेक्निक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है मतलब टेक्सटाइल में। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें टेक्निक्स के एचिंग टेक्निक्स है। ठीक है, एचिंग टेक्निक्स में क्या है कि जो एचिंग टेक्निक्स है ये कंसिस्ट ऑफ लेयर, काफ़ी सारी लेयर्स होती है कलर की। ठीक है, उसके बाद उस बहुत सारे कलर्स को जैसे इसमें दिखा रखा है नकाशी तकनीक जो है उसमें बहुत सारे कलर करते हैं पहले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर किया जाता है, उसके बाद एक उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया जाता है, ठीक है, डार्क कलर। नेक्स्ट फिर उसके ऊपर से किसी चीज़ से उसको क्लियर कर देते हैं, कोई भी पैटर्न बना देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, किसी ब्लेड द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा जो थोड़ी जिसका थोड़ा एरिया ब्लेड टाइप हो, ठीक है,
और या ऑयल पेस्टर हो, वैक्स कलर हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इसके स्टेप्स है कुछ, टेकिंग अ ड्राइंग क्राफ्ट शीट्स, है ना, आपको एक ड्राइंग लेनी है, क्राफ्टेड शीट भी ले सकते हैं, और इसमें कलर शिफ्ट, ब्राइट शेड, बहुत सारे शेड्स में आप कलर को शिफ्ट कर सकते हैं, वैक्स, क्रियॉन, रैंडम पिचेस, ठीक है। और यूजेज अ डार्क कलर, इसमें बहुत आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, वैक्स, ठीक है, जैसे क्रियॉन वगैरह हो सकते हैं। और इसकी जो लेयर है कलर ओवर द प्रीवियस ऑफ पोस्टर, जो इसका पोस्टर है वो पेंट इज़ यूज्ड, लेट इट ड्राई कम्प्लीटली, जब वो सारे कलर सूख जाए तब उसके बाद आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विद द हेल्प ब्लेड, आपको कोई ब्लेड लेना है और एक वो शार्प हो, ठीक है, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसके द्वारा आप उस पर कोई भी प्रिंट बनाएं, स्कार्पिंग ऑफ द अपर लेयर, ठीक है, ऊपर वाली लेयर, तो कुछ अलग टाइप जिसमें, ठीक है, जिसमें ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें ये सारी तकनीक है एचिंग की, नकाशी तकनीक्स है ये सारी। ओके, अब आता है हमारा मुद्रांकन और स्पॉन्क तकनीक, ये होती है स्टैंपिंग या स्पॉन्ज टेक्निक कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी सेम ब्लॉक की तरह होता है, स्पॉन्ज आर्ट कह सकते हो, इसमें जो सरफेस होता है उस पर डिपेंड कलर स्टैम्प, कोई स्टैम्प स्टैम्प के ऊपर कलर को लगाया जाता है, उसके बाद उसे उस कपड़े या फिर जिस भी आप मटेरियल के ऊपर लगाना चाहते हो, शीट वगैरह, उसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सेम अ ब्लॉक और स्पॉन्ज द्वारा भी किसा सकती है, जैसे बहुत सारे शेड, ड्राई लीव्स के द्वारा, ठीक है। और आपको क्या आ सकता है इसमें, नेक्स्ट है कोलाज, कोलाज में क्या है, नहीं सॉरी, इसमें ड्राई ब्रश तकनीक भी है, जिसमें कि सूखी ब्रश तकनीक के लिए विभिन्न बनावटी वाली स्तर या चादरों पर प्रयोग किया जाता है, और ड्राई ब्रश प्रभाव प्रिंट की में एक तीन आयामी इतिहास, जो भी आप कट कर कर उसे एक कागज़ के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, सूखे ब्रश और स्टैंड से ढक दिया जाता है, और जिसमें बनावट के लिए दिलचस्प आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, थीके? यानी कि आपको कोई भी शेप में कट करके आपने कोलाज बनाना है, और जो प्रिंट पहले से किया गया है या बाद में भी उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कोलाज, कोलाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कोई शेप मटेरियल आ करती हैं, ठीक है, मोटिव्स कट कर सकते हैं, और उन्हें फिर उस क्लॉथ के ऊपर या फिर जिसके ऊपर भी आप बनाना चाहो उसके ऊपर रख कर, वो कलर्ड होना चाहिए पहले से, और कोई भी डिज़ाइन आप कट करो और फिर वो एक कोलाज की तरह लगेगा, जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो ये भी एक कोलाज है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत आ सकता है प्रिंट का, ज्योमेट्रिकल प्रिंट, और आपका फ्लोलर प्रिंट है, डॉट्स प्रिंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारा एनिमल वगैरह, एंड फ्लोलर, ज्योमेट्रिकल, ये प्रिंट्स हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक बार उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। फ्लोरल प्रिंट में क्या होता है, सारे फ्लोरल प्रिंट्स में आ जाता है सभी तरीके के फूल पत्ते, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह, ठीक है, और बटरफ्लाई, लेडी ब्राइड्स, ग्रेप्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। और आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो जैसे इंग्लिश टेक्सटाइल में थे चेरी, एप्पल, ब्लॉसम, और जैपनीज टेक्सटाइल में थे तो जैपनीज़ में है पियोने फ्लावर ब्रिंग स्पेसिफिक टू चाइना, जो चाइना का स्पेसिफिक है, ठीक है, और फेमस बूथेन डिज़ाइन है फ्लोरल क्लस्टर, ठीक है, इसमें बकेट्स में होते हैं जैसे गुलदस्ता, ठीक है, गुलदस्ते द्वारा, जैसे इसमें महिलाओं के कपड़ों या एक्सरसाइज के लिए बहुत लोकप्रिय है, ठीक है, इसमें एसेसरीज, सॉरी, जितनी भी वुमेन ड्रेसेस या एसेसरीज हैं उनके लिए ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अगर आए एनिमल प्रिंट में से, तो एनिमल प्रिंट क्या है,